नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उससे पहले का भारत कैसा होता था। वैसे तो प्राचीन भारत के बारे में अगर हम जानने लगेंगे तो बहुत पुराना इतिहास हो जाएगा। कहा जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत भारत में ही हुई थी। वेदों, पुराणों और न जाने कितने ही ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे जिसमें ये पूरी तरह से साबित होते हैं कि दुनिया में सबसे पहले भारत में ही अर्थव्यवस्था उदय हुई थी। बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में विदेशों से व्यापार हुआ करता था। ये व्यापार जल स्थल मार्ग, जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से हुआ करता था। इन मार्गों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विविध राष्ट्रों में समय समय पर संघर्ष भी हुआ करता था। जब इस्लाम का उदय हुआ तो अरब, फारस, मिस्र और मध्य एशिया के विविध देशों में इस्लाम का प्रचार हुआ और पूरी तरह से विस्तृत प्रसार भी हुआ। तब धीरे धीरे इन मार्गों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और व्यापार, भारत का व्यापार जो है वो अरब निवासियों के हाथों में चला गया। अफ्रीका के पूर्वी किनारे से लेकर के चीन समुद्र तक, समुद्र तट पर अरब व्यापारियों की कोठियां स्थापित हो गई और यूरोप में भारत का जो माल जाता था वह इटली से दो नगर जिनोवा और वेनिस में जाता था। ये नगर भारतीय व्यापार से मालामाल हो गए। वे भारत का माल कस्तुनतुनिया की मंडी से खरीदते थे। इन नगरों की धन समृद्धि को लेकर के और देखकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने भी भारतीय व्यापार से लाभ उठाने का प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी और इस इच्छा की पूर्ति में वे सफल न हो सकें। हालांकि उन्होंने कोशिशें बहुत की थी। बहुत प्राचीन काल से ही यूरोप के लोगों का अनुमान था कि अफ्रीका से होकर के भारतवर्ष तक समुद्र द्वारा पहुँचने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक नए युग का आरंभ हुआ। नए नए भौगोलिक प्रदेशों की खोज आरंभ हो गई। कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया और यह प्रमाणित कर दिया कि अटलांटिका के उस पार भी भूमि है। पुर्तगाल की ओर बहुत दिनों से भारतवर्ष में आने के मार्ग का पता लगाया जा रहा था। अंत में अनेक वर्षों के प्रयास के अनंतर सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सुभानशा अंतशीप को पार करते हुए अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर वो पहुंच गया और यहां से एक गुजराती नियामक को लेकर के मालाबार से कालीकट पहुंच गया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे पूर्वी व्यापार को अरब के व्यापारियों से छीन लिया। इस व्यापार में पुर्तगाल की बहुत श्री वृद्धि हुई। उन्होंने भारत से बहुत कमाई की। देखा देखी ही उनमें डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया। इन विदेशी व्यापारियों में भारत के लिए आपस में प्रतिद्वंद्वता भी चलती थी और इनमें से इनका एक ही इरादा था कि दूसरों को हटा करके अपना एकाधिकार स्थापित किया जाए। व्यापार की रक्षा तथा वृद्धि के लिए इनको आवश्यक प्रतीत हुआ वही उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता कायम की। यह एक संघर्ष का रूप धारण कर कई दिनों तक चला। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के बल पे अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त की और सन 1763 के बाद उनका कोई प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं रह गया था। इस बीच में अंग्रेजों ने कुछ प्रदेशों में भी उनको हस्तगत कर लिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में जो नवाब राज्य करते थे वे अंग्रेजों के साथ उनकी कठपुतली बनकर रह गए। इससे ये बात पूरी तरह से जाहिर हो गई थी कि अंग्रेजों ने कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया है और वहाँ के नवाब ये अच्छी तरह जानने लगे थे कि अंग्रेजों का अगर विरोध किया तो वो उन्हें पद से हटा देंगे, यानी वे उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। ये विदेशी व्यापारी भारत से मसाला, मोती, जवाहरात, हाथी दांत से बनी चीज़ें और ढाके की मलमल और अबेरवा रेशम, लखनऊ की छींट, अहमदाबाद के दुपट्टे, नील आदि पदार्थ यहाँ से ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ से शीशे का सामान, मखमल, सॉटन और लोहे के औजार भारतवर्ष में बेचने के लिए भी लाते थे। हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना से हुआ। अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा चेष्टा भी इसी व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए हुई थी। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड का भारत पर बहुत कम अधिकार था और पश्चिमी सभ्यता तथा संस्थाओं का प्रभाव यहाँ नहीं के बराबर था। सन 1750 से पूर्व इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति
भी नहीं आरंभ नहीं हुई थी। उससे पहले भारतवर्ष की यह इंग्लैंड भी एक कृषि प्रधान देश था। उस समय इंग्लैंड को आज की तरह अपने माल के लिए विदेशों के बाजार की खोज नहीं करनी पड़ती थी। से जो व्यापार उस समय विदेशों से होता था उसमें भारत को कोई भी आर्थिक क्षति नहीं हुई थी। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तब से वह इन प्रांतों में जमीन का बंदोबस्त और मालगुजारी वसूल करने लगे। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर मालगुजारी की प्रथा में हेरफेर किया, जिसको उस समय पत्र व्यवहार की भाषा में फारसी थी। कंपनी के नौकर देसी राजाओं से फारसी में ही पत्र व्यवहार करते थे। अब फौजदारी अदालतों में काजी और मौलवी जो मुसलमानी थे वो मुसलमानी कानून के अनुसार ही अपने निर्णय देते थे। दीवानी की अदालतों में धर्मशास्त्र और शहर अनुसार पंडितों और मौलवियों की सलाह से अंग्रेज कलेक्टर मुकदमों का फैसला करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा पर कुछ व्यय करने का निश्चय लिया तो उनका पहला निर्णय अरबी, फारसी और संस्कृत शिक्षा के पक्ष में ही हुआ। बनारस में संस्कृत कॉलेज और कलकत्ते में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। पंडितों और मौलवियों को पुरस्कार देकर के प्राचीन पुस्तकों में मुद्रित कराने और नवीन पुस्तकों को लिखने का आयोजन किया गया। उस समय ईसाइयों को कंपनी के राज में अपने धर्म के प्रचार करने के लिए कहा गया। उस समय ईसाइयों ने कंपनी के राज में अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की। उस समय बिना कंपनी के लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी अंग्रेज भारत में आकर के बस सकता था और न ही बल्कि यहाँ जायदाद नहीं खरीद सकता था। कंपनी के अफसरों का कहना था कि यदि यहाँ पर अंग्रेज बसने में आम इजाज़त उनको दे दी गई तो विद्रोह की आशंका है, क्योंकि विदेशियों के भारतीय धर्म और रस्म रिवाज से भली भांति परिचित न होने के कारण इस बात का उन्हें बुरी तरह से भय था कि भारतीयों के भावों का उचित आदर न करेंगे तो देश की पुरानी प्रथा के अनुसार कंपनी अपने राज्य में के हिंदू और मुसलमानों में धर्म स्थानों का प्रबंध और निरीक्षण करती थी वो नहीं कर पाएगी। मंदिर, मस्जिद, इमामबाड़े और खानकाह की आय व्यय का हिसाब भी रखना, इमारतों की मरम्मत कराना और पूजा का प्रबंध, यह सब कंपनी के जिम्मे था। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड के पादरियों ने इस व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ईसाई होने के नाते कंपनी विधर्मियों के धर्मों के स्थानों पर प्रबंध करने का काम नहीं कर सकती। दोस्तों, यह इंग्लैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि भारत में नए नए आविष्कारों का लाभ उठा करके भारतवर्ष के उद्योग व्यवस्था और नवीन पद्धति को पुनः संगठित किया जाए। वह भारत को कृषि प्रधान देश ही बनाए रखना चाहता था, जिससे भारत से उन्हें हर तरह से कच्चा माल मिले और उनका तैयार किया हुआ माल भारत वापस खरीदे। जब कभी भी भारतीय सरकार ने देशी व्यवस्था को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया तब तब इंग्लैंड की सरकार ने उसका पूरी तरह से निश्चित तौर पर विरोध किया और उसको पूरी तरह से निरस्त भी कर दिया। जब भारत के कपड़े के मिले हुए खुलने की लगी, क्योंकि भारत में यहाँ मिलें खुल चुकी थी, अंग्रेजों ने कई मिलें की स्थापना भी कर दी थी और भारतीय सरकार ने इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर चुंगी लगाने की आवश्यकता हुई, तब इस चुंगी का लंकाशायर ने घोर विरोध किया और उन्होंने यह देखा कि हमारी यह बात मानी न जाएगी तो उन्होंने भारत सरकार को इस बात पर विवश किया कि भारतीय मिल में तैयार हुए कपड़े पर चुंगी लगाई जाए, जिससे देसी मिलों के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव न हो। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में